चौथे सितम मीडिया सभी प्रेस वालों को यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं उनको बधाई भी देता हूँ और जनता के मुद्दों को वे पूरी बखूबी पूरी ताकत वाले उठाती हैं जो जनता से जुड़ी उसी के उसमें आप लोगों को हमने बुलाया है। अब आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला था भाई नगर निगम अपने 38 गांव इस निगम के अंदर मिलाना चाहता है जो पंचायत होते हैं, तो आपके माध्यम से ही हमें पता चला था और आपके माध्यम से ही हम सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं नगर निगम और पंचायत। आज आपको सबको पता है अब गुड़गांव नगर निगम बने हुए लगभग पिछले 11 साल हो गए 2009 में, और 2009 में नगर निगम बनने के बाद आप उन गांव की हालात देखोगे या नगर निगम की कार्यशैली भी देखोगे तो उनका सब प्रथम चीज लगता है जितने सेक्टर थे उनका तो हुड्डा ने विकास किया था, जो प्राइवेट डेवलपर थे उन्होंने जैसे अंसल हो गया, डीएलएफ हो गया, सुशांत लोग हो गया, ये प्राइवेट कॉलोनाइजरों ने डेवलप किया। इसमें मेरे ख्याल से नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है इनको ऐसी कॉलोनियों के अंदर या सेक्टरों में। उसके बाद हमारे यहाँ के नगर निगम ने 35 वार्ड बनाए, 35 वार्डों के अंदर 10 साल के अंदर नगर निगम या सरकार एक भी ऐसा काम बता दे भाई ये हमने निगम आने के बाद ये काम जनता के भले के लिए कर, कोई मेडिकल फैसिलिटी दी हो, कोई स्कूल बनाया हो, 35 के 35 वार्डों में कहीं भी नगर निगम ने कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बनाया, ना कोई स्कूल बनाया नगर निगम ने, सिर्फ एक ही काम किया अब लोगों से टैक्स लेने का काम जरूर किया, इससे ज्यादा नगर निगम ने मेरे ख्याल से कोई काम नहीं। जो जो गांव शामिल हुए थे उन गांव की पंचायत की जमीन ली और उन गांव के अंदर जो 100-100 करोड़ की 200-200 करोड़ की एफडी जो पैसे पड़े थे वे भी नगर निगम ने सारे ले लिए और आज उनके हालात जाकर अगर हम देखते हैं तो बद से बदतर हो चुके हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप लोग इसकी स्टोरी कर सकते हैं जाके, क्योंकि हम तो गांव के अंदर रहते हैं तो इसीलिए हम आपको बोल, यही कारण है अब हम नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। निगम मारने के बाद कोई गांव का जब विकास हुआ नहीं तो फिर मारा कैसे। दूसरी बात ये है अब हमारे जितने भी गांव हैं जो 38 गांव लेने की जो बात करी है वे सिर्फ गाँव है, उनके अंदर 80% जो उनकी सीमा है उसके अंदर एग्रीकल्चर है। आज भी जब एग्रीकल्चर है उसके अंदर तो फिर निगम में लेने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं। अगर 80% उस सीमा के अंदर आबादी होगी होती तो फिर तो हम ये सोचते भाई गांव की पंचायत के बस का है नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया बहुत सारे लोग इसके अंदर आ गए तो ये निगम में जाना चाहिए चला गया। लेकिन इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, अब इनने पहले कुछ नहीं किया अब भी कुछ नहीं करना चाहते और सिर्फ सिर्फ पंचायत की जमीन को हड़पना चाहते हैं, पंचायत के अंदर जो पैसे हैं उनको हड़पना चाहते हैं। आज गांव के अंदर जाके देखोगे जो हमारे गांव है उसके अंदर पीएचसी भी बनी हुई है, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर भी बना हुआ है, उसके अंदर स्कूल भी सबके हाई स्कूल हैं सबके अंदर बने हुए हैं, किसी के अंदर मिडिल स्कूल है, आबादी जिसकी थोड़ी है उसका छोटा स्कूल है, नहीं तो बड़ी आबादी तो बड़ा स्कूल है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर कोई स्कूल ना हो या ऐसा कोई काम ना हो। उसके अंदर हर बिरादरी की चौपाल भी बड़ी हुई है, कम्युनिटी सेंटर तक बड़े हुए हैं, तो फिर हमें नगर निगम में लेने की कुर्सी इसी जल्दी सरकार को आ गई अकबई में निगम में लेके हमारा और विकास करा देंगे। और पहला उसके ऊपर सवाल उठता ही है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो इसलिए हमारा ये विरोध है और इस विरोध में कल 11 बजे लगभग 10 बजे हम इसमें आएंगे पंचायत भवन में इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम डीसी को ज्ञापन भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम इस विरोध के लिए, हम जितने भी लोग हैं जितने भी गांव हैं इस नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहिए।
सरपंच मैं आपको बता देता हूँ, सुंदरलाल यादव जी तो हमारे साथ हैं, आपको पता है सुंदरलाल का, तो ये हमारे पंचायत सरपंच जो अध्यक्ष हैं, आज के दिन प्रेसिडेंट जो सरपंच है प्रेसिडेंट उनके अध्यक्ष है सुंदरलाल। और दूसरी बात ये है, नगर निगम आने से पहले मतलब जो ये ड्रॉ हुए हैं हमारे, इसके क्या नाम पंचायतों के ड्रॉ हो चुके हैं, ड्रॉ होने के बाद कुछ तो पंचायत हमारी रिजर्व होगी, रिजर्व होने के बाद उन सरपंचों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ के अंदर महिला रिजर्व होगी, कुछ उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसलिए सरपंचों का थोड़ा सा बंटवारा सा हो गया, लेकिन रेजुलेशन किसी ने भी नहीं दिया, कोई भी ये नहीं कहता हम नगर निगम में जाना चाहिए। सरकार बिना प्रस्ताव के तो नहीं, देखो लोकतंत्र का मतलब तो यही है, अब किसी को अगर आपने शामिल करना है तो कम से कम उससे पूछना तो चाहिए, जो अपनी पंचायतें हैं ये एक किस्म से हमारी सरकार है जो गांव सत्र पे काम करती है, क्योंकि इसका फाइनेंस का इसके पास अपना खुद का बस्ता भी होता है, अपनी खुद की रेवेन्यू होती है, इसलिए खुद की सरकार है, तो इसको अगर इसमें मिलाओगे तो लोगों से पूछना चाहिए कि सहमति तो लेनी पड़ेगी सरपंचों की। 38 गांवों का कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कुछ बताएं। ये सुंदरलाल जी बताएंगे, जमीन के बारे में बता सकता हूँ, कितनी जमीन हो जाएगी 38 गांवों की जो निगम में जाने की, अप्रोक्सीमेटली 21 एकड़ जमीन है। 7000 कितना पैसा है, लगभग मेरे ख्याल 800 करोड़ 900 करोड़ रुपए होगा। अच्छा, आपके जो ये विरोध प्रदर्शन है इसकी रूपरेखा क्या कुछ रहने वाली है आगे आने वाले दिनों में? देखो विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा जो हमारी होगी, हम सबसे पहले तो कल ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद सरकार हमारी कितनी सुनती नहीं सुनती उसके बारे में बात हो जाएगी, फिर एक बार हम जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एक बार जो इलाके के जो MP हैं MLA हैं या मंत्री मुख्यमंत्री जो भी हैं, हम उनसे जाके मिलेंगे, हमारी जो कमेटी है सारी की सारी, पहले वो अपना उनसे काम करेगी, अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती तो फिर रोड पर उतरने का काम करेगी। विधायक जैसे किसी विधायक से बात करिए, किसी का आया समर्थन मिला आपको? देखो विधायक की, देखो मैं तो विधायक के पास गया नहीं, लेकिन हमारे समुंदर भाई हैं ये 10-15-25 आदमी गए थे, जो अपने राकेश दोलकावाद जी हैं, तो इन्होंने वो जाके उसको बोला था, बोला जी आप ये हमारे गांव नगर निगम में चले गए, तो उसने एक ही जवाब दिया, बोले मैंने ही करवाई थी। कोई दूसरी किसी पार्टी के किसी आदमी ने समर्थन दिया हो नेता ने? नहीं, पार्टी का कोई समर्थन नहीं, देखो पार्टी का समर्थन तो हम इसलिए भी नहीं लेना चाहते, अगर हम इसमें पार्टी का समर्थन लेना शुरू कर देंगे तो एक पॉलिटिकल बन जाएगा, फिर ये पॉलिटिकल बन जाएगा। सरपंच साहब आप बताना प्लीज, इस बारे में जो पॉपुलेशन है इनके बारे में चर्चा भाई सुंदरलाल जी बताएंगे थोड़ा सा, इनसे थोड़ा कहाँ कहाँ किस साइड ये मतलब SPR और द्वारका एक्सप्रेस वे उसके आगे की तरफ पड़ते हैं। जो ये नगर निगम का ये नया जो दायरा ये बढ़ाने की अभी चर्चा चल रही है, कैमरे में देख लीजिए, उसमें टोटल 38 गांव है, जिसमें 7 पंचायतें तो सोना ब्लॉक से हैं, 4 पंचायतें रूपनगर ब्लॉक से हैं और 27 पंचायतें मेरे अपने गुड़गांव ब्लॉक से हैं, और इनकी पॉपुलेशन की हम बात करें तो लगभग ये पॉपुलेशन चली जाएगी 5 लाख के आसपास इन 38 गांव की, क्योंकि यहाँ नए सेक्टर की डेवलपमेंट हो चुकी है और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहने भी लगे। तो हम ये नहीं चाहते कि चलो ठीक है सुविधा की उनको भी जरूरत है, जिस पंचायत के रेवेन्यू के हिसाब से जो सेक्टर लगा है उस पंचायत का दिन दे दो, पंचायत को पावर दे दो, वो काम कराए पंचायत वहाँ, इशू क्या है उसमें? इनको पता नहीं सरकार को क्या निगम की जल्दी लगी हुई है, जबकि अभी निकट भविष्य में 2.25 साल निगम के कोई चुनाव ही नहीं है। भाई अगर इनको कोई आगे की तैयारी भी करनी है तो ये 2 साल बाद सोचे, अभी हमारे जनवरी में पंचायत के चुनाव ड्यू हो रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए पहले, सबसे पहले तो वही है ना, क्योंकि अभी 2.25 साल तो निगम के कोई चुनाव ही नहीं है, वो 2.25 सालों में तो जो है हमारे 38 गांव है इनकी बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी, तो सबसे पहले तो इन्होंने पंचायत के चुनाव कराने चाहिए, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन अभी गुड़गांवा ब्लॉक की क्या ये जो 38 पंचायतें हैं ये सभी पंचायतें निगम का बिल्कुल भरपूर विरोध कर रही है, विरोध करती आई है इससे पहले भी, हमने बीच बीच में भी कुछ हमारे मीडियाकर्मी भाई जानते भी हैं, मुझसे परिचित भी है, समय समय पर हम इसका विरोध करते आए हैं, आप लोगों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पत्रकारों के माध्यम से भी, आज भी हमारी वही बात है, हम पूर्ण जोर इसका विरोध करते हैं। रही बात सरपंचों की जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ 38 के 38 सरपंच आपके सामने साथ हो गए, इस टीम के सरपंच गांव से बड़ा नहीं होता, गांव को सरपंच बनाता है, सरपंच
नहीं बनाता गांव को। जब मुझे गांव ने बनाया है, मेरा गांव अगर मेरे को डंडा चढ़ाएगा भाई, हम नहीं जाएंगे निगम में, मेरी क्या पावर है कि मैं यहाँ के विरोध नहीं करूँगा। पहले भी आपने विरोध किया, लेकिन अब तक निष्कर्ष क्या निकल गया है उसका? निष्कर्ष ये निकला है जी, हमसे मांगे गए थे सहमति प्रस्ताव सभी पंचायतों से निगम में जाने के लिए, और किसी भी पंचायत ने, दो पंचायतें शायद सोना ब्लॉक की थी जिन्होंने निगम में जाने का प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन उन्होंने भी बात भी जब पता चला हम लोगों को, सारे सरपंचों को, बाकी 36 पंचायतों को भी आपने क्यों दे दिया, तो उन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया था। वो किसी भी पंचायत ने निगम में जाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। सरपंच सर, नाम और नाम आपका? मेरा नाम है जी सुंदरलाल यादव, मैं सिकंदरपुर गाँव से सरपंच हूँ और गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 27 जो गाँव बताए आपने, कौन से एरिया में बताए थे? 27 जो गाँव है वो है हमारे गुड़गांव ब्लॉक से। सरपंच साहब, जो जितने वर्तमान सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं आप लोगों के, वो आप लोगों से अपना क्यों नहीं खिल पाए? नहीं, एक्चुअली एक तो क्या था कि आज भाई वीरू सरपंच साहब का सुबह 11 बजे ही कंफर्मेशन आया कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कल जब हम ज्ञापन देने आएंगे सारे सरपंच हमारे साथ होंगे। सरपंच साहब, क्या पहले के जो गांव नगर निगम के अधीन चले गए हैं वो भी सरपंच, वो भी मतलब गांव के जो लोग हैं वो भी नाखुश होंगे, तो क्या वो लोग भी आपके साथ आएंगे? मैं भाई साहब आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे बहुत हमारे से लगते हुए गांव हैं, वो गांव वाले हमारे पास सूचना देंगे भाई निगम से अगर आप लोग बच सकते हो तो अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयास करो किसी तरीके बचाया जाए। हमारी जो दुर्दशा हो रही है निगम में, हम नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी गांव भी उसी दुर्दशा का शिकार हो, और बोला जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमें बुलाओ, हम आपके विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आप ऐसे कुछ गांव के नाम बताएं ना जहां पे दुर्दशा हो रही है नगर निगम में, नहीं क्या कुछ काम? मेरे यहां रहा खिड़की दौला गांव, रहा नरसिंहपुर, रहा मोहम्मदपुर, रहा इधर बसई देख लो, धनवापुर देख लो, सारे गाँव में, क्योंकि एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं तो मेरा हर गाँव में आना जाना होता रहता है, मैं देखता हूँ वहाँ जाके उन गाँव में क्या दुर्दशा। और हम तो ये कहते हैं, आप लोगों के सामने कह रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं, कोई भी पांच पंचायत, गुड़गांव जिले में 203 पंचायतें हैं पूरे जिले से, कोई भी पांच पंचायत उठा ले सरकार, कोई एक्स सर्विसमैन, कोई भी जॉब, कोई रिटायर आदमी, और पांच निगम के गांव, उन पांच पंचायत और पांच निगम के गांव का सर्वे करवा लो, अगर हमारी पंचायतें उनसे बेहतर हो, 21 हो, तो हमारी पंचायतें रहने दिया नहीं निगम डिक्लेयर कर। ज़्यादातर क्या सांसद से भी आप लोगों ने संपर्क? गाँव का अगर इसमें विरोध है तो रविंद्र जी 100% गाँव के साथ खड़े होंगे। बता रहे थे कि एक विधायक राकेश दौलताबाद ने तो कही दिया मैंने ही करवाया है। कोई बात नहीं जी, राकेश दौलताबाद जी ने अगर ऐसा बोल दिया, दो MLA साहब हमारे पास और हैं अभी, जिनकी पंचायतें, नौ पंचायतें अपने पार्टी विधानसभा की है और सात पंचायतें सोना वाले हैं, गुड़गांव वाले हैं। गुड़गांव वाली तो ठीक है चलो, लेकिन गुड़गांव के MLA साहब भी इसमें हमारा समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई पंचायत है नहीं इसमें। ये बात करेंगे आप लोग, उसकी जल्दी रूपरेखा तैयार की जाएगी, देखते हैं पहले तो अगर और 27-28 करोड़ रुपए नया गांव पंचायत में जो भोंसी का ही पार्ट है, भोंसी से बनी, तो उसका आज के दिन हमारे वहां पे जैसे वीरू सरपंच साहब ने बताया, हमारे पास अपना कम्युनिटी सेंटर है, PHC सेंटर है, हमारे पास में वहां पे स्कूल हैं, प्लस टू के हाई स्कूल हैं, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, प्राइमरी स्कूल है, अभी रिठौस गाँव में एक कॉलेज भी बना है। तो मंशा क्या समझते हैं नगर निगम से, क्यों ऐसा करने जा रहा है? देखो नगर निगम तो ये तो सरकार की पॉलिसी है कि भाई क्यों ऐसा करने जा रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नगर निगम में जो गांव गए हैं वो सारे गांव हमारे ही अपने सब भाई बंधु हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई नगर निगम में कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाने वाले आते हैं दो, ना कोई सफाई वाला है और दूसरा सीवर लाइन या उस नहीं है। आज अगर पौंडसी गाँव नगर निगम में चला जाता है और ये सरकार की तरफ से हो गया कि भाई गाँव में सीवर डलेगा, तो ये कहावत है कि 5 साल सीवर नहीं डलेगा, बांस काम शुरू हो जाएगा, काम पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो नगर निगम में जब इतना ज़्यादा, और हम पे अपना पैसा है, हम पंचायतें आज तक काम करती आई हैं, सफाई कराती आ रही हैं, उन्होंने अपने कम्युनिटी सेंटर बनाए, स्कूलों में कमरे बनाए पंचायत ने, तो आज जब सब कुछ है और प्रॉपर सुचारू रूप से चल रहा है तो फिर नगर निगम की कौन सी जल्दी होगी? की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।